मूवी की शुरुआत ताइवान से होती है, जहां हम एक गैंगस्टर के समूह को देखते हैं और उनके बीच पैसे से भरा एक बैग होता है और तभी अचानक से एक किलर उन सभी गैंगस्टर को चाकू से मारकर मौत की नींद सुला देता है। उस किलर का नाम लॉन्ग होता है। इसके बाद लॉन्ग पैसों से भरा बैग लेकर अपने बॉस से मिलने होटल जाता है, जहाँ लॉन्ग के बारे में बताया जाता है कि लॉन्ग एक खतरनाक और बेरहम किलर है और उसे ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं होता। वह अपने दिए हुए काम को हमेशा पूरा करता है और वह मारने के लिए हमेशा चाकू का इस्तेमाल करता है। उसे फिर से एक काम दिया जाता है जिसमें उसे जापान के एक गैंगस्टर को ख़त्म करना है। इसके बाद वह वहाँ से जापान के लिए निकल जाता है और सुकरा शहर में पहुँच जाता है। लॉन्ग जल्द से जल्द अपना काम निपटाने का सोचकर उस गैंगस्टर का पीछा करके उस पर चाकू से वार करता है, लेकिन वह गैंगस्टर भी कम नहीं था। उसने एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, जहां लॉन्ग उन सभी गैंगस्टर के बीच फंस जाता है। अब लॉन्ग की अच्छे से कुटाई होती है गैंगस्टर के द्वारा और वे लोग लॉन्ग को सुनसान जगह में ले जाकर जान से मारने ही वाले होते हैं कि उन गैंगस्टर के बॉस पर कोई पीछे से हमला कर देता है। यह काम उनके राइवल गैंग का होता है और इस मौके का फायदा उठाकर लॉन्ग वहां से भाग निकलता है। लेकिन याकूजा मेंबर्स लॉन्ग की तलाश करते हैं, लेकिन किसी तरह लॉन्ग एक डिलीवरी ट्रक में बैठकर वहां से निकल जाता है, जिसके अगले दिन लॉन्ग एक ऐसे इलाके में होता है जहां गरीब बस्ती के लोग रहते हैं और लॉन्ग अपने चोट के दर्द से निढाल पड़ा होता है। उसी वक्त वहाँ एक जून नाम का लड़का आता है, उसे जगाता है और उसे पीने का पानी भी देता है। जून लॉन्ग के घाव को देखकर फौरन कहीं से कुछ मलहम पट्टी और दवाइयां लाकर देता है, जिसके बाद जून वहां फिर से कुछ कपड़े लेकर लौटता है, जहां लॉन्ग कपड़ों को पहनकर कुछ खाने की तलाश में बाहर निकलता है और वह वहां टूटे फूटे मकान में अपने रहने का इंतजाम करने लगता है कुछ समय के लिए, जहाँ उसे पीने का पानी और कुछ बर्तन मिलते हैं। इसके बाद लॉन्ग कुछ खाने की चीजों को ढूंढते हुए कुछ सब्जियां लेकर आता है, जहां जून उसका इंतजार कर रहा होता है। फिर लॉन्ग खाना बनाना शुरू करता है और वे दोनों लॉन्ग के बनाए खाने का स्वाद लेते हैं, जो कि काफी स्वादिष्ट बना होता है। जून अपनी माँ के बारे में बताता है कि उसकी माँ भी चाइनीज है, बिल्कुल उसकी तरह। और उसी वक्त जून की माँ लिली जून को खोजते हुए वहाँ आती है, जहाँ लिली जून को कुछ पैसे देकर कुछ सामान लाने के लिए कहती है और यह सब लॉन्ग दूर से देख रहा होता है। जून जो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, वह सामान लेने जाता है जो कि नशीली दवा होती है और यह सब लॉन्ग छुप छुप कर देख रहा होता है। लिली नशे की आदी होती है, लेकिन लॉन्ग वहाँ आ जाता है और लिली से उस दवाई को छीन लेता है और लिली को उसकी नशे की लत को छुड़ाने के लिए वह उसे बांध देता है, ताकि वह नशे से दूर रहकर बर्दाश्त करना सीख सके। रात के वक्त उसे घूमते हुए एक गाड़ी में उसे फोन मिलता है और उस फोन का इस्तेमाल करके वह अपने कुछ फ्रेंड्स को कॉल लगाता है और उनसे कुछ पैसे उधार मांगता है, लेकिन उसके दोस्त भी निकम्मे निकलते हैं और वे साफ साफ मना कर देते हैं कि उनके पास कोई भी पैसा नहीं है। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो चोरी करो, ना कि मेरे पास फोन करो। जिसके अगले दिन लॉन्ग बारिश में अपने छत के नीचे खाना पका रहा होता है और उसी वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति उसके खाने की खुशबू को सूंघते हुए वहां आ जाता है और उसके खाने को टेस्ट करता है, जो कि काफी टेस्टी होता है। उसके खाने को चखने के बाद वह आदमी उसे अपने घर इन्वाइट करता है और उसे खाना बनाने में मदद मांगता है। लॉन्ग और वह बूढ़ा व्यक्ति मिलकर खाना बनाने लगते हैं, तभी उनके पड़ोसी भी वहां उसके खाने की खुशबू को सूंघते हुए पहुंच जाते हैं और वे सभी लोग लॉन्ग के हाथ के बने खाने को पसंद करते हैं और उसके इस स्वादिष्ट खाने के लिए उसे कुछ रुपए और घर का कुछ सामान गिफ्ट करते हैं और उसे फूड स्टॉल लगाने का आइडिया देते हैं। दूसरी तरफ जून अपनी माँ को खाना खिलाता है, जहाँ लिली की हालत में कुछ सुधार नजर आता है। जिसके अगले दिन लॉन्ग उलझन में होता है कि आखिर क्या किया जाए इतने सारे सामान के साथ। वहीं कुछ देर के बाद लॉन्ग के पड़ोसी वहां आ जाते हैं
और उसके घर की मरम्मत और सफाई में लग जाते हैं और उसे टेंपल के किनारे अपने फूड स्टॉल को लगाने का आइडिया देते हैं, क्योंकि वह जगह काफी भीड़ भाड़ वाली है। जिसके अगले दिन से ही लॉन्ग नूडल्स बेचना चालू करता है, जिसमें जून भी उसकी मदद करता है, जहां सभी को लॉन्ग के बनाए हुए नूडल्स काफी पसंद आते हैं और यह देखकर उसके पड़ोसियों को भी काफी खुशी होती है। इसके बाद वे लोग अपने घर की ओर लौटते हैं। वहीं रात में लिली की सेहत पहले की तुलना में काफी अच्छी हो जाती है और लिली देखती है कि जून काफी जल्दी सो गया है और जून को देखकर वह अपना पास्ट याद करती है। बहुत समय पहले गैंगस्टर के लिए बस मन बहलाने का काम करती थी, जहां उसे उन गैंगस्टर के एक ड्राइवर से प्यार हो जाता है और लिली प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन यकूजा मेंबर्स को इस बात की खबर पड़ जाती है और वे लोग उस ड्राइवर को मौत के घाट उतार देते हैं और लिली के साथ भी काफी बुरा व्यवहार करते हैं। इसलिए लिली वहां से भागना ही सही समझती है और अपने बच्चे को जन्म देती है। लेकिन जल्द ही उसके जमा किए हुए पैसे खत्म हो जाते हैं और उसकी नशे की लत उसे गरीबी की ओर धकेल देती है। दूसरी तरफ लॉन्ग ताइवान लौटने के लिए पैसों का बंदोबस्त कर रहा होता है, लेकिन दूसरी ओर लॉन्ग के द्वारा बनाए हुए खाने को चखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे होते हैं, जिसके अगले दिन रात में उनके पड़ोसियों द्वारा एक नाटक में भाग लिया जाता है और वे लोग उसे जीत जाते हैं, जिसमें उन्हें 3 हॉलीडे टिकट मिलती हैं और वे सभी वो हॉलीडे टिकट जून और उसकी माँ और लॉन्ग को दे देते हैं, ताकि वे लोग एंजॉय कर सके वेकेशन में। जहाँ हॉलीडे का दिन और ताइवान लौटने का दिन एक ही होता है और लॉन्ग इस परेशानी में होता है कि उसे हॉलीडे जाना चाहिए या फिर अपने घर ताइवान, क्योंकि उसके पास उतने ही पैसे होते हैं जितने में वह प्लेन का टिकट खरीद सके या फिर हॉलीडे पर जा सके। और हम अगले सीन में देखते हैं कि लॉन्ग ताइवान जाने की जगह हॉलीडे पर जून और उसकी मॉम के साथ होता है और जून काफी खुश होता है, जहां वे लोग हॉलीडे को काफी एंजॉय कर रहे होते हैं, जहां उन्हें एक फैमिली होने का एहसास हो रहा होता है। और इसके बाद वे लोग अपने घर आ जाते हैं, जहां लिली इस दिन के लिए लॉन्ग को थैंक यू कहती है और लॉन्ग फिर से अपने काम में व्यस्त हो जाता है। और इसी तरह करते हुए कई दिन निकल जाते हैं, जहां एक दिन जून बेसबॉल मैच देखता है और जून लॉन्ग को बेसबॉल की ट्रेनिंग देने को कहता है, ताकि वह भी बेसबॉल को अच्छी तरह से खेल सके। और लॉन्ग जून को ट्रेनिंग देता है, जिसके कुछ दिनों के बाद जून एक अच्छा प्लेयर बन जाता है। जिसके अगले दिन वे लोग रोज की तरह काम के लिए बाहर जा रहे होते हैं कि वहीं गैंगस्टर सुकासा लिली को दूर से देख लेता है, जहां लिली देखती है कि सुकासा उन्हें देख रहा है, इसलिए वह जल्दी से वहां से निकल जाती है अपने घर की तरफ, ताकि उसकी वजह से जून और लॉन्ग को कोई भी परेशानी ना हो। जहां लॉन्ग इन सारी चीजों को नोटिस करता है, जून के घर आने पर उसका पीछा करते हुए गैंगस्टर सुकासा लिली के घर पहुंच जाता है और उसे फिर से अपने गलत धंधे में लाने के लिए जबरदस्ती करता है और उसे नशीली दवाइयां देने लगता है, लेकिन लिली साफ साफ मना कर देती है। जिसके बाद सुकासा उसकी गंदी तरीके से पिटाई करता है और उसे जबरदस्ती इंजेक्शन दे देता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है। दूसरी तरफ जून अपनी मॉम के ना आने पर थोड़ा परेशान होता है, लेकिन कुछ देर के बाद वहां सुकासा आता है उसके नूडल्स खाने को और उसके बाद वह कुछ लोगों को फोन करता है। वहीं लॉन्ग बहुत देर से सुकासा को नोटिस कर रहा होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, जिसके बाद वह लिली को ढूंढने जाता है। और जब वे दोनों घर पहुंचते हैं तो वह लिली को फांसी पर लटके हुए देखते हैं और उसी समय कुछ गुंडे आकर लॉन्ग के फूड स्टॉल को बुरी तरह से तोड़ डालते हैं और उसी वक्त लॉन्ग के पड़ोसी वहां आ जाते हैं उन सभी को रोकने, जहां उन पड़ोसियों की भी पिटाई वे गुंडे कर देते हैं। इसके बाद वहां यकूजा के मेंबर्स आते हैं हथियार के साथ लॉन्ग को खत्म करने। यह सब देखकर लॉन्ग को काफी गुस्सा आ जाता है और लॉन्ग एक चाकू की मदद से एक एक करके सभी को मौत की नींद सुला देता है। इस खूनी खेल को देखकर जून काफी डर जाता है लॉन्ग से और अपनी माँ के लिए रोता है। उनके पड़ोसियों को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता,
कि कैसे लॉन्ग ने अकेले ही सभी को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद वह लोग लॉन्ग को इस शहर को छोड़ने के लिए कहते हैं। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है जहां हम लॉन्ग को ताइवान में चाइना में देखते हैं और उसे एक नया मिशन दिया जाता है उसके बॉस के द्वारा। लेकिन लॉन्ग को अचानक उसके पुराने जापान के पड़ोसी दिखते हैं जो उनके साथ लॉन्ग को ढूंढते हुए, क्योंकि वह लोग चाहते थे कि जून लॉन्ग के साथ ही रहे, जहां लॉन्ग उन्हें इशारा देता है और वे सभी लॉन्ग को देखकर काफी खुश होते हैं और लॉन्ग भी उनसे मिलकर काफी खुश होता है। आखिर में वह डिसाइड करता है कि वह जून को अपने साथ रखेगा और अपने इस किलर वाले जॉब को छोड़ देगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।